हमारा पानी का बहुत समस्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पानी नहीं मिलता है फटक से। बीएमसी का पानी आता है, वो एक ही घंटा रहता है। मेरा नाम जया ठानकर है, मैं सिस में काम करती हूँ, मेरे बच्चे लोग दो है। यहाँ पे तो 100 के ऊपर है रूम, वैसा बोले जाएगा तो 150 तक तो है, तो उतने जन को पानी नहीं मिलता है पूरा। हमारा पानी का नंबर आता है 3 दिन के बाद, तो जो हम लोग पानी मिलता है तो पूरता भी नहीं है घर में लेके आने के बाद भी। ऐसा बोले जाएगा तो 7-8 मुंडी पर लेके आते हैं हम लोग पानी, और वो बीएमसी का पानी आता है उससे, नल का पानी, उससे हम लोग खाना बनाते हैं और पानी भी वही पीते। जब धोएंगे तो पानी हम लोग फेंकते नहीं, चावल धोएंगे वो चावल धोएंगे वो सब झाड़ में है, उसके ऊपर हम लोग पानी डालते हैं। बीएमसी का पानी आता है, वो एक ही घंटा रहता है, और हम बोर का पानी भरते हैं, वो कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए। वो कपड़ा 100 रुपये भरना पड़ता है हमको, घर के अंदर नहीं रखते, बाहर ही ऐसे मतलब दरवाजे के पास रखते हैं हम लोग बोर का पानी भर के। ऐसा ही प्लास्टिक जैसा बना के रखा है घर के बाहर है, तो उसमें हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, और उसका पानी जो है वो झाड़ में ही जाता है, आम के झाड़े जो बारिश के ऊपर से पानी आता है वो टॉयलेट के लिए वो लेके जाते हैं। तो बारिश रहेगा तभी हम लोग पानी रख सकते हैं, एक दिन वो पानी रहेगा अच्छा, उसके दूसरे दिन तो पूरा ख़राब हो जाते, उसमें भी कीड़ा बीड़ा फटक से पकड़ लेता है ना। हम लोग टॉयलेट में जंगल में जाते बकेट लेके, खतरा तो बहुत है, एक एक जन तो नहीं जा सकता है। चीता ने उसका हमला किया तो वो तो उठा के खा के लेके जाएगा, किसको भी कुछ पता नहीं चलने वाला है। बारिश के टाइम में पानी मिलता है तो हम लोग कपड़ा धोने में नाले के ऊपर जाते हैं। अभी ये महीना 4-5 महीना तो हमको पानी का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, अभी धूप के टाइम में तो बहुत हम लोग को गर्मी के टाइम में पानी का दिक्कत है। तो पानी के लिए हम लोग को तबेले में जाते हैं कपड़ा धोने के लिए, वो तबेले वाले को उन लोग ने पानी भैंस को पीने के लिए दिया है, तो इंसान को क्यों नहीं। हम लोग यहाँ में जलम से यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग को पानी का प्रॉब्लम क्यों है।